सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों। तो आज हमारे साथ हमारे रॉकस्टार प्रिंस सर जुड़ रहे हैं। और कैसे हैं सर? मैं बढ़िया हूँ बढ़िया हूँ। आप कैसे हो? बढ़िया सर। तो अभी जेई में काफी उथल पुथल मच रहा है सर। जेई वालों ने पता नहीं क्या ही किया है। तो उनको उनको देख के तो मुझे बड़ा अजीब सा, मतलब कल बड़ा अजीब सा वो रहा कि कैसे 15 दिन में ही वो हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल दिया उन्होंने। हाँ सही बात है। तो अभी क्या लगता है सर, जैसे कि अभी अपडेट आया था तो मतलब कि बच्चे काफी खुश थे कि और हमें अटेम्प्ट देने का मौका मिलेगा। तो अभी आपको क्या लगता है कि बच्चों से मिले आप, बच्चों का क्या रिएक्शन था? यार देखो, कल जब मैंने लाइव लिया तब भी बच्चों के मैसेज आते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, कुछ बच्चों ने इन 15 दिनों के टाइम में ना बहुत क्रिटिकल डिसीजन ले लिए हैं। कुछ बच्चों ने अपने एनआईटी की सीट ही छोड़ दी, जो काउंसलिंग लास्ट में जिनको एनआईटी मिल रही थी उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी। दो बच्चे जो मुझसे जुड़े थे उन्होंने अपनी सीट विदड्रॉ कर ली है। अच्छा अब उन्होंने इस उम्मीद में कि चलो मैं एक बार और बार अच्छे से प्रिपेयर करके आईटी दूंगा। कुछ कुछ बच्चों ने मतलब मान लो कोर्सेज खरीद लिए हैं, 1-1 लाख रुपए फीस भी भर दिए कई जगह पर, और अब उनको लग रहा है कि मैं दे ही नहीं सकता हूँ अटेम्प्ट। तो उन बच्चों अच्छा के साथ ना बहुत बड़ा इनजस्टिस हुआ है, बहुत बड़ा। तो ये बहुत गलत न्यूज है। मतलब यार देखो, अगर देखो कुछ भी करना है, आप नेशनल लेवल पे काम कर रहे हो, आप मतलब कभी किसी ने जिंदगी में आज तक अपने कभी आईआईटी एडवांस की बॉडी से ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया कि आप अनाउंस कर रहे हो, फिर जैब आ रहा है, फिर वो बोल रहा है कि नहीं भाई साहब आपने गलत अनाउंस कर दिया। तो दिस इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। आप बॉडीज में सिंक ही नहीं है इसका। मतलब आप पहले बैठ के डिस्कस करते ना अनाउंस करने से पहले कि यार हम ये अनाउंस कर रहे हैं, तुम इस पर एग्री करते हो या फिर नहीं करते हो। अब आप 15 दिन बाद अपने डिसीजन को रिवर्ट कर रहे हो, लेकिन 15 दिनों में, क्योंकि देखो एक बार, मैं अदरवाइज नहीं बोलूंगा, लेकिन कोई और बॉडी होती, एनटीए होता या एनएमसी होती, वो कुछ बोलती तो बच्चे एक बार सोचते कि एक बार और चेक करते हैं, वेट करते हैं। पर जेई ने कभी भी, जेई एडवांस ने कभी भी कुछ अनाउंस किया और उसको रिवर्ट बैक किया, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ब्लाइंड फेथ है स्टूडेंट्स का। अब आप सोचो, एनटीए पे कुछ बोलता है तो बच्चे डाउट करते हैं, और आज के बाद क्या होगा कि जेई एडवांस भी कुछ बोलेगा ना तो 10 बार सोचेगा आदमी कि यार कहीं ये भी वापस दोबारा ना पलट। तो ये बहुत बड़ा इश्यू, बहुत छोटी बात नहीं है। मतलब जो लोग एग्जाम नहीं दे रहे उनके लिए बहुत छोटी बात है, लेकिन उस स्टूडेंट से पूछो जिसने एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया अपने लाइफ का इन 15 दिनों के अंदर, ये सोच कर कि अपने को थर्ड अटेम्प्ट एक्स्ट्रा मिल गया। आप अपने आप को वहां रख के देखो, तब आपको पता लगेगा कि कितनी गलत चीज हुई है। और मेरे हिसाब से वो कहते हैं ना एक बार कि अब तो जो बोल दिया वो बोल दिया, इस साल के लिए तो इनको देना चाहिए, नेक्स्ट ईयर के लिए चाहे बैन कर दें, या फिर वो स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली प्रूफ लिए जाए कि भाई इन बच्चों ने ऐसे ऐसे इस डिसीजन की वजह से छोड़ी चीजें, उनको चांस देना बनता है। तो सर आपको क्या लगता है, जैसे कि ये वापस क्यों लिया गया? वापस तो यार देखो क्या है ना, जो जैब है जिसने पूरा सब कुछ सोचा, उसने बताया कि भाई आज आप जैसे आप जे एडवांस को देखोगे तो आज से नहीं है, 2006 से ही वही दो अटेम्प्ट चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम से बढ़ा के जाए। मैंने ये सोचा था जब ये डिसीजन आया था कि यार बच्चों का स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए शायद उन्होंने लिया है, क्योंकि कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो रूरल एरियाज में होते हैं, वो 12th तक उनके पास ना रिसोर्सेज होते हैं ना नॉलेज होती है जे एडवांस को क्लियर करने की। लेकिन फिर आकर इन्होंने बैठा होगा कि अगर हम ज्यादा अटेम्प्ट देंगे तो ज्यादा बच्चे ड्रॉप आउट करेंगे, ड्रॉप आउट करेंगे तो वो आगे जो प्लेसमेंट वाला सीजन आता है वहां पर उस चीज में इश्यू होगा, है ना। तो इसी चीज को सोचकर, और बच्चा अगर 2 बार में अटेम्प्ट नहीं उसका क्लियर हुआ तो फिर वो टेंशन ले सकता है, चीजें सोच सकता है, इस वजह से उन्होंने इसको डिस्कार्ड किया होगा। बट अभी जो चल रहा है मेरे हिसाब से एक अटेम्प्ट देना चाहिए, बनता है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो स्ट्रगल करते हैं। राइट 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 सर, बिल्कुल। तो आपको भी ऐसे ठीक कई है। स्टूडेंट्स मिले होंगे जो इन चीजों के ऊपर स्ट्रगल करते हैं, जिनको लगता है कि नहीं यार, जैसे ना कई स्टूडेंट है तो ऐसे होते हैं, 12th, अभी ना आप 12th के स्टूडेंट को देखोगे तो आप समझो अभी ये जो टाइम चल रहा है नवंबर का, अभी 12th वाले का अगले मंथ प्री बोर्ड शुरू होने वाला है, उसके अगले मंथ उसका जेई मेन है, फिर उसका बोर्ड आएगा, फिर जेई मेन का सेकेंड अटेम्प्ट आएगा। तो जो 5 महीने होते हैं उसके लिए बहुत ज्यादा प्रेशर वाले होते हैं, हर स्टूडेंट ऐसा नहीं होता जो इस प्रेशर को झेल पाए। राइट सर, तो कई बार ऐसा होता है कि 12th पे वो फोकस करे पहले अच्छे से, 12th में परसेंटेज लाए, क्योंकि वहां पर भी उसको 75% लाना है, अभी उसका भी कोई क्लैरिटी नहीं जेई मेन की तरफ से, है ना, फिर उसको जेई मेन क्लियर करना है, फिर वो जाकर जेई एडवांस दे सकता है। तो जो प्रेशर बिल्डिंग होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो जब ये आया था तो मुझे ऐसा लगा था कि इन्होंने सोचा होगा कि इस प्रेशर को थोड़ा रिलीज किया जाए और बच्चों को एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाए। राइट सर। बाकी सब आपके सामने है।
बाकी देखिए क्या होता है और क्या क्या अपडेट्स आते हैं, वही देखना मैं तो चाहूंगा कि है। इस साल के लिए तो रिवर्ट हो उन बच्चों के लिए, जो बच्चे परेशान हैं बेचारे, जिन्होंने डिसीजन ले लिए है, उनको कुछ ना कुछ हेल्प मिलनी चाहिए। राइट सर, तो चलिए अब बाकी भी जो अपडेट्स आते रहेंगे उस पर हम जुड़ेंगे जरूर सर, तो बिल्कुल बच्चों के लिए बिल्कुल, अपडेट लेके आएंगे। बाकी सर कैसा चल रहा है सब, सब बढ़िया अभी चल रहा क्या है। नया लेके आ रहे हैं बच्चों के लिए? नया लेकर आ रहे हैं 11th का बैच 23rd of December से, मतलब जो 11th to 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, तो जिसमें हम पूरी 11th+12th पूरी कवर करने वाले हैं दोबारा से जीरो से। तो जो बच्चे JEE 26 या NEET 26 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बैच है। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।